नमस्कार, मैं प्रज्ञा धाधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया जाएगा। 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंकों में जमा कराना होगा। 2016 में नोटबंदी के बाद इस नोट को पेश किया गया था। इसे चलन से हटाने का कारण नकली करेंसी, डैमेज करेंसी और यूज की कमी है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में अडानी समूह द्वारा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अभी तक इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, मगर इसे खुलासे को गौतम अडानी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास है, ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी राजस्थान आने वाले हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ी सभा को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पीएम के आने की तारीख तय नहीं है। सोमवार 22 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीकानेर आ रहे हैं। वे जामनगर लुधियाना कॉरिडोर का निरीक्षण करने वाले हैं, जिसके बाद पीएम मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए आमंत्रित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब रुपए 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जाँच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपों की जांच के लिए समिति भी बनाई गई, लेकिन अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं वह गलत है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर कारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिली। भारत के मजबूत आर्थिक स्तंभों को कठघरे में खड़ा करने वाले और भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी शक्तियों की सह पर कमजोर करने वाले श्री राहुल गांधी को फिर एक बार सुप्रीम धुलाई हुई है। कम से कम अब वह सबक ले और भारत को बदनाम करना बंद करें। लोग अक्सर कई तरह के पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आप भी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल पेमेंट करने वाले हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने 7 लाख रुपए तक के ऐसे भुगतान पर टीसीएस नहीं लेने का फैसला लिया है। इससे पहले ऐसी खबर थी कि विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए गए हर भुगतान पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स लगेगा। अवैध लोन ऐप्स के जाल में दर्जनों लोग अपनी जिंदगी उजार चुके हैं। लोगों को इन फर्जी और अवैध चाइनीज लोन ऐप्स के चुंगल से बचाने के लिए एक तरफ केंद्र सरकार लोन ऐप्स की व्हाइट लिस्ट तैयार कर रही है, जिन्हें प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर होस्ट करने की अनुमति होगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने चाइनीज व दूसरे अवैध इंस्टेंट लोन ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए गूगल पर बनाया दबाव है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अफसरों के इन दिनों नींद उड़ी हुई है। दरअसल बात यह है कि बिजली उपभोक्ताओं 9000 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। मेरठ में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया है। बिजनौर में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है। पश्चिमांचल के 14 जिलों में 40 लाख बिजली उपभोक्ता 9000 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस गुरुवार को अपने नियत समय से 2 घंटे विलंब भागलपुर जंक्शन से खुली, जिससे यात्री काफी परेशान हो गए। एक तो ट्रेन विलंब से खुली, दूसरा भागलपुर जंक्शन पर ट्रेन की सफाई नहीं हुई थी, लिहाजा यात्रियों को अव्यवस्था के बीच सफर करना पड़ रहा था। गंदे ट्रेन और अव्यवस्था के बीच यात्रियों को क्यूल तक सफर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। 2004 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील की कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा है कि हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलन से 2000 रुपए के नोट वापस लेने के कदम को लेकर ट्विटर पर जंग छेड़ दी है। बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा, तो यह 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और जिन्होंने पीड़ा दी है उन्हें क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने के फैसले को अच्छा कदम बताया है। बता दें कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो 2018 से 2021 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि अनुसूचित जाति के खिलाफ हत्या समेत अन्य अपराधों के मामलों में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराधियों की जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि उन्होंने इस सूची में शीर्ष स्थान पर मौजूद राज्य का नाम नहीं बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष जीके शिवकुमार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के कांटेरवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे हुआ। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को अनपढ़ बताने पर बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने केजरीवाल पर पलटवार किया। सुंदर ने कहा, जब व्यक्ति के पास अचानक से पद और पैसा आ जाए तो वह अरविंद केजरीवाल जितना ही घमंडी हो जाता है।
बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हालांकि उनके जाने के बाद भी विवादों का सिलसिला जारी है। एक तरफ बिहार के सत्ताधारी दल जदयू और राजद के शीर्ष नेता बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के एक आईपीएस अधिकारी ने बाबा बागेश्वर को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग कर नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज कुंतल घोषणा पत्र मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे। बनर्जी को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया था, जिसकी वजह से उन्हें सीबीआई कार्यालय पहुंचना पड़ा। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट को उस आदेश को चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जिसमें ईडी और सीबीआई को कुंतल घोष पत्र मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार फिर उपराज्यपाल को दे दिए हैं। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़क गए और उन्हें तानाशाह करार दिया है। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लखीसराय जिले के बनू बगीचा और चानन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया। अभियान चलाते हुए टीम ने फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जापान जाते हैं तो वह भारत में नोटबंदी लागू कर देते हैं। खड़गे ने यहां कांटेरावा स्टेडियम में कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को अपने डेंटल केयर प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का इस्तेमाल करने पर लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी अपनी दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में भड़के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सिख विरोधी दंगों की जांच कर रहे सीबीआई ने सिख विरोधी दंगों के मामले में एक नई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें जगदीश टाइटलर कई आरोप लगाए गए हैं। नई चार्जशीट में जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने दंगे भड़काने के आरोप हैं। के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर पारंपरिक व्यवसायों के आधार पर समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शासनादेश संख्या 111 को रद्द करने की भी घोषणा की, जो 1996 में 84 गांवों में अनुसूचित औद्योगिकरण और भारी निर्माण गतिविधियों को रोकने और उस्मान सागर और हिमालय सागर के प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किया गया था। जातीय जनगणना पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं शुरुआती दौर से कहता आ रहा हूं कि सबसे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि इसका कानूनी आधार क्या है। आज ये आम लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए सर्वे करा रहे हैं। जातीय जनगणना का नतीजा आज क्या हुआ? जिस दिन से न्यायालय में गए न्यायालय ने इसे रोक दिया। जातीय जनगणना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं है। इन नेताओं को कोई जातीय जनगणना नहीं करवाना है। बिहार की जनता खुद सोच कर देखे कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद भी उन्होंने आज तक जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया। 1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा, जिसके लिए आरबीआई ने 100 दिन 100 कैंपेन शुरू किया है। बैंकों के समय सीमा में इस जमा राशियों को सेटल करना होगा। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सेविंग और करंट अकाउंट में 10 वर्षों से बिना ऑपरेट किए रकम बची हुई या मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के भीतर किसी ने दावा नहीं किया तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा। सुदीप्त सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। हर दिन इस फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर लगे बैन को हटा दिया है। इस बीच एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, डियर सुप्रीम लीडर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए इस काल्पनिक प्रोपेगेंडा फिल्म का बेतहाशा प्रचार करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए आपका डिस्क्लेमर क्या है। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु में नवनिर्वाचित कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एक समय महबूबा ने कश्मीर में भाजपा के समर्थन में सरकार बनाई थी, हालांकि कुछ सालों में उन्होंने भी भाजपा से किनारा कर लिया था। वहीं कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और कश्मीर के 3 बार रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान बनकर पहुंचे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खलती है। 2020 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया इस समय केंद्रीय मंत्री है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और बाद में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज शनिवार सुबह जापान के हिरोशिमा पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जेलेंस्की से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध को मैं राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता, यह मानवता का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है यह आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं आपकी और यूक्रेन की नागरिक की दुखों को भली भांति समझ सकता हूं। हमसे जो भी हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है नागेश्वर राय, रविशंकर, एमडी साकिर हुसैन, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नुन्नू कोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। धन्यवाद।